वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश कोर का सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे थे एंड हमने सेकंड पेपर डिस्कस किया था। जिन बच्चों को नहीं पता है, आप हमने ऑलरेडी इससे पहले भी हमने सैम्पल पेपर 1 करवाया था और 2 करवा रहे हम, एंड 2 का आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। हमने पार्ट 1 कर लिया है, पार्ट 2 आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ऐसे ही हमने सैंपल पेपर जो 1 करवाया था उसमें भी हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके कराया था, ये दोनों हो चुके हैं। तो फर्स्ट पेपर जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो भी देख लीजिए, और सेकंड पेपर का हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है तो वो भी आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सेकंड पेपर का ही पार्ट 2 जो हमारा रह गया है वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे के जो क्वेश्चंस रह गए आपके आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है कि यह है क्या, तो हम मिड टर्म का जो आपका एग्जाम होने वाला है 25 सितंबर का, उसके लिए हम सैंपल पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं और ये इंग्लिश कोर का है। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट के करवाए जाएंगे। सबसे पहले आपका इंग्लिश कोर का पेपर है तो वो हम सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। सैंपल पेपर का मतलब होता है जो आपका रियल में जो पेपर आने वाला है मिड टर्म में, उसी की एक कॉपी कह सकते हैं, जिसके अंदर आपको पैटर्न बताया जाएगा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत सैंपल पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आपको पैटर्न पता चल जाता है। जैसे अगर हम इस पेपर की बात करें तो 80 नंबर का पेपर आएगा आपका, 3 घंटे आपके पास होंगे पेपर करने के लिए और 15 मिनट पहले ही आपको पेपर दे दिया जाएगा पढ़ने के लिए। इसके अलावा जो इसमें आपको पता चल जाता है, रीडिंग का सेक्शन होगा, राइटिंग का सेक्शन होगा और लिटरेचर का सेक्शन होगा। जैसे रीडिंग का सेक्शन होगा तो इसमें आपके 3 क्वेश्चंस होंगे जो पैसेज से ही रिलेटेड होंगे। पहला भी पैसेज होगा, दूसरा भी पैसेज होगा, तीसरा भी पैसेज ही होगा। पहला जो पैसेज होगा नॉर्मल पैसेज होगा, जिसके अंदर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ये, और 10 तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एमसीक्यू टाइप भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसमें आपके वन लाइनर आंसर भी हो सकते हैं। दूसरा जो होगा क्वेश्चन, ये भी पैसेज ही होगा, बट ये डेटा वाला जो पैसेज होगा, डेटा बेस्ड पैसेज होगा। तीसरा जो पैसेज होगा, इसके अंदर आपको नोट मेकिंग करनी होगी और आपकी समरी होगी इसके अंदर, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सैंपल पेपर में पता चल जाती है कि आपका पेपर आने कैसे वाला है, इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि सैंपल जो मैं आपको पेपर करवा रहा हूँ सेम बिल्कुल आएगा पेपर में। सेम कहने का मतलब है जो क्वेश्चन पूछा गया है पैटर्न तो आपका सेम आएगा, ठीक है। पैटर्न की आप कोई दिक्कत ना ले, पैटर्न सेम आएगा आपका, बट आपके क्वेश्चन एंड आंसर अलग हो सकते हैं, ठीक है। ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा बच्चे कमेंट करके बोलते हैं क्या सेम पेपर आएगा क्या क्वेश्चन एंड आंसर, सेम नहीं आएगा आपका। क्वेश्चन एंड आंसर रिपीट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आ ही नहीं सकता, आ भी सकता है, क्योंकि ये सैंपल पेपर है और सैंपल पेपर में उन्हीं क्वेश्चंस को लिए जाते हैं जो आपके पेपर में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। राइटिंग वाले सेक्शन की बात करें तो इसके अंदर आपका जो है ग्रामर आ जाता है, ठीक है। राइटिंग वाले सेक्शन में जैसे ग्रामर आ गया और आपका जो है एडवर्टीजमेंट आ गया, आपका जो है पोस्टर आ गया, इसके अलावा आपका जॉब लेटर आता है, इसके अंदर स्पीच आता है, डिबेट आता है, ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आएगी। फिर इसके अलावा जो है लास्ट वाला जो सेक्शन सी होगा आपका, वो होगा बुक से। एक चीज़ आपको नोट कर लेना है कि सेक्शन ए आपको जो है कोशिश करना है आप इसे लास्ट में करें, जब आपके पास लास्ट टाइम रह रहा हो ना, एक घंटा जितना भी रह रहा हो लास्ट टाइम में आपको करना है, क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम खा जाता है। ये 3 पैसेज जो है आपके लगभग 3 घंटे का पेपर है, तो 1.5 से 2 घंटे ये आपके खा जाएंगे और आप प्रेशर में आकर गलतियाँ कर सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं रहेगा या क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे। तो रीडिंग वाला सेक्शन आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम खा जाता है, ठीक है। बाकी आप राइटिंग वाला सेक्शन और लिटरेचर वाला सेक्शन ये दोनों पहले करेंगे, फिर रीडिंग वाला करेंगे। बाकी आज की इस वीडियो जो हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, चलिए आगे की तरफ चलते, जो हमारे क्वेश्चंस रह गए थे उसको डिस्कस कर लेते। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, कृष्णा साहनी 08 करके, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। कोई भी डाउट रहता है स्टडी को लेकर आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो क्लास 11th के लिए बनाया गया है, VSP क्लास 11th ग्रुप। आप टेलीग्राम पे जैसे ये चैनल सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहती है वो हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं, तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपकी डेट शीट कुछ इस तरह से है क्लास 11th की, और ये मिड टर्म की डेट शीट है कुछ इस तरह से। सबसे पहला जो आपका एग्ज़ाम है वो इंग्लिश कोर का है, तो इंग्लिश कोर का हम सैम्पल पेपर 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं एंड 2 कर रहे हैं। 2 का हमने पार्ट 1 कर दिया है, पार्ट 2 आज की इस वीडियो में हम 2 का करेंगे। ऐसे ही और पेपर्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जिससे आप पेपर में बहुत अच्छे नंबर ला पाए और समझ पाए पेपर को कि आपका पेपर आने कैसे वाला है। चलिए पार्ट 2 में जो क्वेश्चंस रह गए थे वहाँ की तरफ हम चलते हैं। ये तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर वाला सेक्शन रहेगा सेक्शन बी।
इसके अंदर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपके, एक तो एडवर्टीजमेंट होंगे आपके नोट आपका जो है, एक होगा आपका यहाँ पे देखेंगे, ये आप देखेंगे पोस्टर मेकिंग का होगा, थर्ड आपका जो क्वेश्चन रहेगा स्पीच से रहेगा, एंड फोर्थ डिबेट से रहेगा। तो चार तरह के क्वेश्चन तो आपके राइटिंग वाले में, बाकी ग्रामर भी होंगे आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे जो पूछा गया आपका एडवर्टीजमेंट बनाना है आपको किससे रिलेटेड, यहाँ पे प्रिंसिपल डाउन वर्ल्ड वाइड स्कूल आगरा रिक्वायर्स अ सेक्रेटरी फॉर हर स्कूल, ठीक है, उनके स्कूल के लिए सेक्रेटरी यानी सचिव की जो है आवश्यकता है स्कूल में। ड्राफ्ट आर इज रीजनेबल एडवर्टीजमेंट इन अराउंड 50 वर्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ऑर्डर सेक्शन ऑफ अ पब्लिक पेपर गिविंग एवरी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब टाइटल्स ऑफ कैपेबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेड इन द सेक्रेटरी। यहाँ पे बोला गया है कि आपको क्या है, एक तो आगरा के जो स्कूल का नाम लिया हुआ है डॉन वर्ल्ड वाइड स्कूल, ठीक है, वहाँ पे एक सचिव की यानी सेक्रेटरी की आवश्यकता है। सचिव में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, यहाँ पे क्षमता और अनुभव सारी चीज़ें बोला गया है आपको बारीकी से बताते हुए। आपको क्या है, एक आपको तैयार करना है विज्ञापन, हिंदी में एडवर्टीजमेंट को विज्ञापन कहते हैं, तो विज्ञापन तैयार करना है। तो आप देखेंगे नीचे की तरफ आएंगे तो विज्ञापन कुछ इस तरह से, यहाँ पे सिचुएशन क्या वांटेड है, ठीक है, जरूरत है, एंड यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका लिखा हुआ है आंसर, ठीक है। रिक्वायर अ यूथफुल डायनामिक ब्रिलियंट कैरमिंग एंड जो है कॉर्डियल फीमेल सेक्रेटरी फॉर डाउन वर्ल्ड वाइड स्कूल आगरा एलोरिंग कॉम्प्रेंस जो है कॉम्पेंसेशन विद जो है इंडिसिप्लिन एडवांटेजेस सॉलिड वर्क प्लेस न्यू अलुमनी हैविंग प्रेस और कंपेरेबल डिग्री इन इंग्लिश विद ग्रेट रेशनल ठीक है सॉरी रिलेशनल एबिलिटीज कैन अप्लाई बाय सेंडिंग देयर इंट्रोडक्टरी लेटर एंड रिज्यूम टिल वॉक 30 ऑन द बिनीथ रेफरेंस्ड आईडी यहां पे दी हुई है फॉर इंक्वायरीज कॉन्टेक्ट यहां पे किया जा सकता है। कुछ इस तरह से यहां पे बताया हुआ है कि एक वर्ल्ड वाइड स्कूल है उसके लिए एक पहले तो आवश्यकता थी सचिव की, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको यहाँ पे लिख देंगे आप, रिक्वायर क्या क्या है, एक तो यूथफुल होना चाहिए, डायनामिक ब्रिलियंट दिमाग अच्छा होना चाहिए, ठीक है, काम करने में अच्छा होना चाहिए, ये है। आप यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी हुई है, आपको क्या करना है कि जो जो चीज़ें जरूरत होती है जैसे सेक्रेटरी है स्कूल के लिए ले रहे तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें जो है जरूरत पड़ेगी, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आप यहाँ पे लिख देंगे, और किससे कॉन्टैक्ट किया जाए, ठीक है, ये लास्ट में आप लिख देंगे, एंड नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं आप लास्ट में कि आप जो है फॉर एनी क्वायरीज जो है इंक्वायरी रहेगी तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से एडवर्टीजमेंट तैयार हो जाता है, एंड इसके अंदर आपको अथवा देखने को भी मिलेगा और में ये भी एडवर्टीजमेंट ही होगा, जैसे योर अंकल हैज जस्ट जो है एस्टेब्लिश्ड अ टूर एंड ट्रेवल कंपनी एंड नीड अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट टू जो है पॉपुलराइज जो है इट ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स। यहाँ पे क्या आपके जो अंकल है जिसे चाचा कहते हैं, तो आपके चाचा ने क्या है हाल ही में जो है जस्ट एस्टेब्लिश अ टूर एंड ट्रेवल कंपनी, टूर एंड ट्रेवल कंपनी की क्या करिए एक स्थापना करिए, और इसे क्या है आपको एंड नीड अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट टू जो है इसको पॉपुलराइज करना है, इसका क्या करना है इसे फेमस करना है लोकप्रिय बनाना है, तो आपको क्या करना है तैयार एडवर्टीजमेंट। इसके लिए मैंने इसे अथवे में दे रखा है, इसका आंसर मैंने नहीं दिया, किसी एक का मैं आंसर आपको करके दिखा दे रहा हूँ एंड दूसरे वाले का आप कोशिश करें कि आप करके दिखा दें, ठीक है। बाकी मैं इसको आगे जब मैं और पेपर्स लेके आऊंगा तो उन पेपर में इसके भी आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ आएंगे, ड्राफ्ट अ पोस्टर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, पोस्टर किसके ऊपर है थीम ऑफ कीपिंग मेट्रो नीट एंड क्लीन, ये आपका और दिया हुआ है एंड और के अंदर आपका जो है बुक्स के ऊपर दिया गया है। डिजाइन अ पोस्टर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर योर स्कूल लाइब्रेरी ऑन द वैल्यू ऑफ बुक्स एंड गुड रीडिंग हैबिट्स, यू मे यूज स्लोगन। तो ये आपका पोस्टर मेकिंग के ऊपर है, मैंने यहाँ पे नीचे वाले का करके आपको दिखाया है एंड इस वाले का मेट्रो हमने कीपिंग मेट्रो नीट एंड क्लीन वाले पे ऑलरेडी हमने करवा रखा है, जब हमने पेपर नंबर 1 देखा था तो उसके अंदर मैंने करवा रखा था, तो आप देख सकते हैं। बाकी मैं ये अथवे का मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जो और वाला है कुछ इस तरह से किया हुआ है। अब पोस्टर मेकिंग में आपको ध्यान रखना है कि पोस्टर मेकिंग में आपको क्या है स्लोगन्स यूज करने होते हैं, आप एक बुक्स बना सकते हो जैसे कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है, तो बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड करके जैसे हेडिंग यहाँ पे लिखी हुई है, टाइटल लिखा हुआ है, आप भी अपनी तरीके से जो है स्लोगन्स यूज कर सकते हो।
बहुत कम शब्दों में आपको जो है चीजों को बताना होता है पोस्टर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एग्जांपल की बात करें दूसरे, तो आप सेव वाटर करके आपने सुना होगा, ठीक है। सेव वाटर आपने पोस्टर कई सारे देखे होंगे, तो उसमें भी आप जो है सेव पानी गिरता हुआ दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं सेव वाटर सेव अर्थ, ऐसे स्लोगन यूज कर सकते हैं। तो यही पोस्टर होता है, बहुत कम शब्दों में बहुत सारी चीजों को कहना है पोस्टर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 6 की तरफ। अब यहाँ पे जो है ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6, यू आर अपसेट आफ्टर रीडिंग अ रिपोर्ट इन द न्यूज़पेपर विच शो एज अ शॉकिंग डिक्लाइन इन द गर्ल चाइल्ड पॉपुलेशन। स्पीच लिखना है इसके अंदर जो है, आपने क्या है न्यूज़पेपर में देखा, यहाँ पे क्या देखा, जब आपने देखा तो अपसेट हुआ, क्या देखा आपने अखबार में एक रिपोर्ट पढ़ा उससे आप परेशान हुए, जिसमें लड़कियों की आबादी क्या है उसकी रिपोर्ट आई, तो वो चौंकाने वाली थी क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिक्लाइन था यानी गिरावट देखी गई। आपको क्या लिखना है, राइट अ स्पीच इन 120 to 150 words विच यू विल डिलीवर ड्यूरिंग द स्कूल असेंबली हाईलाइटिंग द जो है मिसकॉन्सेप्शन स्टिल जो है प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटी वेयर गर्ल्स आर जो है कंसिडर्ड ए बर्डन ऑन द फैमिली। तो यहाँ पे आपको एक स्पीच देना है अपनी असेंबली में, स्कूल की असेंबली में, कि किस तरह से क्या है लड़कियों को क्या है बोझ माना जा रहा है उसके ऊपर आपको बताना है, उसके बारे में आपको एक स्पीच देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 नंबर का आता है एंड यहाँ पे हेडिंग है आपका गर्ल चाइल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइटल भी ढूंढना पड़ेगा इसी के अंदर, तो गर्ल चाइल्ड पॉपुलेशन यहाँ पे टाइटल रखा है एंड यहाँ पे इसके बारे में आप लिख देंगे, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल एंड टीचर्स हो गए जो भी हो, माई डियर फ्रेंड्स टूडे आई एम जो भी है आपका नाम, यहाँ पे अगर आपको दे रखा है तो आप वही यूज करें एंड नहीं दे रखा है तो आप एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं। तो आई एम जो है राजेश या रूपाली यूज कर सकते हैं, ऑफ क्लास 11th जो है वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यू ऑन गर्ल चाइल्ड पॉपुलेशन, यहाँ से आप ये सेम लाइन रहती है सबकी। इसके बाद जो है आप स्पीच देंगे कि किस तरह से यंग लेडीज आर एज येट टू बी अ वेट ऑन फैमिली, यानी किस तरह से जो है महिलाओं जो है अभी भी जो है परिवार में क्या माना जाता है, बोझ माना जाता है, भार माना जाता है। बिकॉज ऑफ दिस इन मैनी स्पीसीज ऑफ आवर कंट्री अ यंग लेडी किड इज किल्ड इनसाइड द बेली ऑफ द मदर, यहाँ पे ये भी बताया हुआ कि इसी वजह से हमारे देश के कई हिस्सों में देखेंगे तो बच्चों को क्या है बच्ची को जो है माँ के पेट में ही मार दिया जाता है। ये सारी चीजें आप बताएंगे, इंस्ट्रक्टेड जो है एज वेल एज जो है यूनिफॉर्म्ड एंड जो है स्टैंडर्ड इंडिविजुअल शुड बी विजुअल एक्सटर्नल एंड फैसिलिटी लाइन अप टू डू दिस जो है डेप्लोरेबल रॉन्ग डूइंग, यहाँ पे बताया गया है कि इस जो है अपराध करने के लिए जो है जो भी अपराध होते उसके लिए क्या है आपको मतलब मोटिवेट होना पड़ेगा एक तरह से आपको इसे रोकने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीजें बताई गई है, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि किस तरह से जो है आज के समय भी देखें हम तो बहुत सारे इंडिया के भी कई जगह है जहाँ पे ये चीजें होती है, ठीक है। गर्ल छोटी बच्चों को पेट में ही मार दिया जाता है, बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता, लड़के को ऊपर रखा जाता है, तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं एंड लास्ट में आप ये भी लिख सकते हैं कि आज के समय जो है वही देश आगे बढ़ रहा है जिसने क्या है मैन एंड वुमेन दोनों को इक्वल रखा है, ठीक है। लड़कियां वो कर सकती है जो लड़के नहीं कर सकते, तो ये चीजें आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, लास्ट में थैंक यू यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको जो है स्पीच लिखना होगा, अपनी भाषा में लिखेंगे क्योंकि जरूरी नहीं है आप रट के जाए, रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि रटने से और आपका जो है लेवल कम होता है, ठीक है। इंग्लिश में रटने की जरूरत नहीं, जो भी आपको आता हो लिख के आ जाना, आपने इतना तो देखा ही होगा, ये जो टॉपिक आएंगे आपके ये सभी आपने पहले देख रखे होंगे, ठीक है, इसी के ऊपर आ सकता है। आगे आते इसी के अथवे में जो दिया गया है, यू आर हेड गर्ल ऑफ सोनिया पब्लिक स्कूल करोल बाग दिल्ली, यू फील नाउ अडेज, आपने महसूस किया कि आज के समय क्या है स्टूडेंट आर जो है ओवरबर्नड बाय द ट्यूशन क्लासेस आफ्टर लॉन्ग स्कूल आवर्स, यानी क्या है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं आज के समय वो बहुत सारे छात्र हैं जो ट्यूशन क्लास आफ्टर लॉन्ग आवर्स जो ले रहे उनके ऊपर क्या है एक बोझ डाला जा रहा है माता पिता के द्वारा ट्यूशन कक्षाओं में क्या है और वहां पे भी क्या है देर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन देम बाय देयर पेरेंट्स एंड अटेंड द ट्यूशन क्लासेस, यहाँ पे अटेंड करने के लिए भी जो है प्रेशर दिया जा रहा है फैमिली की तरफ से,
मोरेवर दे आर जो है प्रेशराइज टू अचीव बेटर रिजल्ट। बेटर रिजल्ट के लिए उन्हें क्या किया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है। सो मच डिस्टर्ब टू डिस्टर्ब बी दिस करंट प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स, यू डिसाइड टू डिलीवर अ स्पीच इन द मॉर्निंग असेंबली ऑफ योर स्कूल, राइट अ स्पीच एंड ऑल्सो गिव सम सजेशन टू लाइटन द बर्डन, यानी बर्डन को जो है कम करने का, हल्का करने का सुझाव भी मांगा गया है। तो ये आपका स्पीच दूसरा स्पीच है और मैं दिया हुआ है, एंड इसको हमने करके नहीं दिखाया, इसको आप कोशिश करें कि खुद करके देखें। नेक्स्ट जब मैं पेपर लेके आऊंगा और उसके अंदर इसको हम सोल्व करेंगे। आगे आते अगले क्वेश्चन पे, ये अगला क्वेश्चन डिबेट से रिलेटेड है, एंड डिबेट किसके ऊपर है, ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस आर द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे ये इसके ऊपर आपको डिबेट लिखना है, आप इसके जो है अगेंस्ट में भी लिख सकते हैं एंड इसके जो है फेवर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फेवर या अगेंस्ट आपको किसी एक चीज का जो है यूज करना है, किसी एक चीज को आपको करना है कोई एक। एंड यहाँ पे जो है ये वाला जो क्वेश्चन है हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट पेपर के अंदर, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दे रखा है आपको। और के अंदर जो हमने क्वेश्चन लिया है दूसरा, यू आर स्नेह से है या जो है सेहिल ऑफ इंडियन पब्लिक स्कूल आगरा, राइट अ डिबेट ऑन द टॉपिक क्या आपका, ओल्ड एज होम्स आर अ नेसेसरी, ठीक है, नेसेसिटी इन टूडेज वर्ल्ड, यू कैन गिव योर आर्गूमेंट इन फेवर और अगेंस्ट द मोशन इज 120 to 150 वर्ड्स। तो यहाँ पे बोला गया है जो आज के समय जो है, अगर हम देखें आपका टॉपिक क्या दिया हुआ है, ओल्ड एज होम्स आर अ नेसेसिटी, यानी वृद्धाश्रम एक क्या है, आवश्यकता है। तो यहाँ पे ये आपका टॉपिक है, इसके बारे में आपको डिबेट लिखना है, अगेंस्ट में भी लिख सकते हैं इसके एंड फेवर में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फेवर में लिया है, ओल्ड एज होम्स आर नेसेसिटी, फेवर में क्या लिया है, इसके अंदर आप लिख सकते हैं ये जो टॉपिक है आपका वृद्धाश्रम जो होता है जहाँ पर बूढ़े लोगों को रखा जाता है ज्यादातर, ठीक है, वही रहते हैं, बूढ़े लोगों के लिए ही बनाया जाता है, तो जिनके पास घर नहीं होते और जो बूढ़े हो जाते हैं उनके लिए होता है। तो यहाँ पे आपको इसके फेवर में मैंने लिखा हुआ है कि किस तरह हमारे लिए जरूरी है वृद्धाश्रम की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो है यहाँ पे बताया हुआ है, पहले तो आप वही लाइन यूज करेंगे कि मेंबर्स टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स अ वेरी केयरफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, टुडे आई सेहिल जो भी आपका नाम दिया हुआ है वो लिखेंगे, विल प्रेजेंट माय व्यूज इन फेवर ऑफ द टॉपिक ओल्ड एज होम आर नेसेसरी इन टूडेज वर्ल्ड। फिर इसके बाद बताएंगे ओल्ड एज होम्स आर नेसेसरी, पेरेंट्स एजुकेट देयर चिल्ड्रन, यानी बच्चे जो है पेरेंट्स जो है बच्चों को पढ़ाते, एंड बच्चे जो है जॉब करने के लिए ट्रैवल करने के लिए किसी कंट्री से बाहर चले जाते हैं या तो अपने सपने करने के लिए वो उन्हें छोड़ के चले जाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो किस तरह देश में जो है या हमें जो है इसकी ज़रूरत है ओल्ड एज होम्स की, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में आप लिख देंगे क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं आप इसमें, तो इसके अंदर जो है आप घर से निकाले जाने के बारे में भी लिख सकते हैं, किस तरह जो है बच्चे अपने ही माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें भी आप कह सकते हैं कि बच्चे काम करने दूसरे देश चले जाते हैं, या बच्चे ले जाना चाहते हैं तो वो पेरेंट्स नहीं जाना चाहते, या जो है आप यहाँ पे मौसम के बारे में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है मौसम के कारण भी, जैसे मौसम क्या है जहाँ का तापमान ज़्यादा हो कम हो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर कि वो नहीं जाना चाहते या वहाँ वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये पॉइंट, ठीक है। तो ये आपको कुछ इस तरह से जो है ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा डिबेट वाला, एंड इसके बाद जो है आपका ग्रामर स्टार्ट हो जाता है। राइटिंग वाला जो है चार क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने एडवर्टीजमेंट हो गया, आपके पोस्टर मेकिंग हो गया, स्पीच हो गया और डिबेट, चार क्वेश्चन, चार तरह के क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे राइटिंग वाले में। अब ग्रामर में क्या आएगा, ग्रामर में कुछ इस तरह से आपको दिखेगा ग्रामर वाला क्वेश्चन, एंड इसमें देखेंगे इन लाइनों में एक गलती है आपको उसको देखना है, कौन सी गलती है यहाँ पे लिखना है, एंड आंसर आपको आएगा क्या यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉल्स हो रखा है एंड राइट आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे इसमें क्या है, इट आर अबाउट, तो इट आर नहीं, इट की जगह क्या आएगा, इट इज अबाउट टाइम वी आउट टू। फिर इसके बाद देखेंगे अंडरस्टैंड ऑन जो है सिग्निफिकेंस ऑफ, तो ऑन की जगह क्या आएगा, द आएगा, ठीक है, ऑन की जगह द आएगा यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड आगे देखेंगे जो है यहाँ पे देखेंगे लाडी, इसकी जगह क्या आएगा जो है लेडीज आएगा, ठीक है, लेडी की जगह क्या आएगा, फिर लेडीज आएगा, लेडीज दे आउट नॉट टू बी बाउंड टू द फोर
वॉल ऑफ द, तो यहाँ पे वॉल की जगह क्या है वॉल्स आएगा यहाँ पे देखेंगे। फिर ऐसी आप आगे देखेंगे एन की जगह यहाँ पे ए ए आएगा, एंड आगे आर की जगह यहाँ पे आर लिखा हुआ है तो इसकी जगह इज आएगा, पीपल्स की जगह यहाँ पे पीपल आएगा, एंड लास्ट में आपका जो हेल्प लिखा हुआ था यहाँ पे एडी हट जाएगा हेल्प आएगा बस। तो कुछ इस तरह से ये आपको जो है करेक्ट करना है इनकरेक्ट जो हुए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। आगे आएंगे तो इसके बाद जो है चेंज करने के लिए बोला जाएगा एनी थ्री को, जैसे चेंज टू नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है क्या है आई एम ईटिंग फूड, तो आई एम नॉट ईटिंग फूड आ जाएगा, ठीक है। बी देखें हम तो रिप्लेस द अंडरलाइन एरर विद द करेक्ट वर्ड, मोस्ट ऑफ द बुक्स वूम, तो यहाँ पे क्या आएगा होम की जगह क्या आएगा वो आएगा राइट आंसर आपका। आगे देखिए तीसरा पूछा गया है ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस यूजिंग टू टू, तो ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट बैग, तो ही इज टू प्राउड टू बैग, तो ये आप यूज कर लेंगे। एंड डी आपका चेंज टू फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बोला गया, तो वी आर सेलिब्रेटिंग दिवाली, तो वी विल बी सेलिब्रेटिंग दिवाली, तो कोई तीन करने हैं चार है ये, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका पूरा सेक्शन भी हो जाता है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लिटरेचर वाले सेक्शन पे, ये आपकी जो है बुक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारे, एंड बुक से कौन कौन से, जैसे दसवां क्वेश्चन है तो ये आपका एक्सट्रैक्ट आएगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की लाइन होगी, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे यहाँ पे बोला गया है विच सीजन हैज बीन डिस्क्राइब्ड हियर, तो यहाँ पे जो है लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वेट स्टील इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, यहाँ पे आप किस सीजन की बात की गई है, तो यहाँ पे जो बात करी गई है सर्दी के मौसम की, ठीक है। सर्दी ऋतु शरद ऋतु यानी ऑटुमन। यहाँ पे आगे हम देखें दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस इन द सेकेंड लाइन सेप्टेम्बर सनलाइट, तो इसका एलिटरेशन राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ जो है ऑटुमन सीजन ऑफ ऑन लेबनम ट्री, तो यहाँ पे बोला गया है जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थ्री है, दसवें का क्वेश्चन नंबर थ्री। एक सेकंड मैं आपको जो है थोड़ा हिंदी भी मैंने आपको नहीं बताया, तो एक तरह से मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, जो बच्चे इंग्लिश नहीं समझ पा रहे थोड़ा थोड़ा आ रहा है, जैसे विच सीजन हैज बीन डिस्क्राइब्ड हियर, तो यहाँ पे बात की गई है कि किस ऋतु का यहाँ पे वर्णन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें ऑप्शन जो आपका शरद ऋतु राइट आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। शरद ऋतु ये आपका आ जाएगा। दूसरा बोला गया था कि आइडेंटिफाई करना है आपको, दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर सितंबर की जो धूप है इसका आपको जो है पोएटिक डिवाइस इन द आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस इन द सेकेंड लाइन सेप्टेम्बर सनलाइट, तो यहाँ पे एलिट्रेशन आ जाएगा आपका। अलंकार की बात हुई है तो अनुप्रास अलंकार एलिट्रेशन को बोलते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ जो है ऑटुमन सीजन ऑफ लेबनम ट्री, यहाँ पे जो बोला गया है लेबनम जो है पेड़ पर पतझड़ के मौसम के प्रभाव के बारे में आपसे पूछा गया, तो द लीव्स हैव जो है टर्न येलो, यानी जो पत्तियां है वो पीली हो गई है उसके बारे में पूछा गया था। एंड इसके अंदर आपको और देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 10वें के एक में, ठीक है। हमने ए अभी कर रहे हैं, एंड इसके अंदर देखेंगे ये भी लाइन्स है कुछ, एंड इसमें पूछा गया हु डज सी रेफर टू, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें पढ़ेंगे तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी द गोल्ड फिंच आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे विच पोएटिक डिवाइस हैज इन स्लीक एज अ लेजर्ड, तो यहाँ पे स्माइल ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है ऑप्शन बी, इसको बोलते हैं उपमा अलंकार। आगे हम आएंगे क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ, यहाँ पे बोला गया है द गोल्ड फिंच हैज बीन कंपेयर्ड टू अ लेजर्ड बिकॉज इट्स मूवमेंट इज क्विक एंड अलर्ट, तो इसका मूवमेंट क्या है क्विक है जल्दी है एंड अलर्ट रहता है, तो ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसकी गति त्वरित और सतर्क होती है, हिंदी में इसकी मीनिंग होगी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10वें का ए हो जाएगा, ए वाला किया। ऐसे ही आपके बी और सी होंगे, उसमें भी आपको और देखने को मिलेगा, जैसे बी है एंड बी के अंदर देखेंगे कुछ इस तरह से आपकी ये दी हुई है पैराग्राफ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए वट वॉज द जो है एनॉर्मस क्लाउड दैट द नरेटर स्पीक ऑफ, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसे वाले में आपको आंसर मिल सकता है, इसमें देख लेना है राइट आंसर आपको क्या पता मिल जाए, ठीक है। बाकी तो मुश्किल होता है क्योंकि दो चार लाइन में आपको पूरा आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको हिंट जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है जो क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर आपका वन है व्हाट वाज द जो है एनॉर्मस क्लाउड दैट द नरेटर स्पीक ऑफ, यानी जो है
विशाल बादल के बारे में क्या था जिसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे बोला गया है, तो अ हग वेव यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे ऑप्शन बी लहर जिसकी मीनिंग होती है, तो ये आएगा आपका राइट आंसर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्रिस्ट, तो यहाँ पे टॉप ऑफ द वेव, क्रिस्ट का मतलब क्या है, सीखा सीखा होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, टॉप ऑफ द वेव यानी आपका लहर के शीर्ष पर। एंड तीसरा जो है ओमनियस साइलेंस मींस जो है पूछा गया है, तो अनप्लेजेंट साइलेंस, ऑप्शन ए इसका अप्रिय चुप्पी होती है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। एंड इसके अंदर आएंगे और देखने को मिलेगा आपको, एंड और के अंदर भी आपके कुछ पैराग्राफ दे रखे हैं एंड इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है एक्सेप्टेड हर सॉल्यूशन विद जो है रेजिग्नेशन मींस दैट द ग्रैंड मदर, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है पहला कि इस्तीफे के साथ जो है अपना एकांतवास स्वीकार किया दादी यानी दादी, तो यहाँ पे आपको बताना है टुक हर जो है लोनलेस क्लेमली एंड एक्सेप्टेड हर फेट यानी अपने अकेलेपन और शांति से लिया अपने भाग्य को उन्होंने स्वीकार किया, ये आपका राइट आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए व्हेन डिड द जो है कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन ब्रेक, कब टूटता है, तो जब वो एक सेपरेट रूम ले लेता है, व्हेन वॉज द ऑथर वॉज गिवन अ सेपरेट रूम, जब जो है ऑथर उसको एक अकेला कमरा दे देते हैं, जब लेखक को एक अलग कमरा दे दिया जाता है, तब द हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर वॉज व्हेन, तो कब होता है उनका, तो जब वो एक तो आपका सी फेड द स्पैरोस यानी जब चिड़ियों को खाना खिलाती है, ठीक है, द स्पैरोस सेट ऑन हर हेड एंड शोल्डर या उसके जो है कंधे या जो है सर के ऊपर बैठती है स्पैरोस, तो ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, थीके? नीचे की तरफ, एंड यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे की तरफ आएंगे तो तीसरा भी कुछ पैराग्राफ कुछ दो तीन लाइन का दे रखा है, एंड यहाँ पे क्वेश्चन है हु वाज मोराज कजन, तो कजन कौन था, आराम था, आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो। एंड यहाँ पे आगे बोला गया है व्हाट वाज द नेम ऑफ द ट्राइब, किस ट्राइब से जो है बिलोंग करता था, ठीक है, आपको बताना है मोराज जो है किस ट्राइब से बिलोंग करता था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे आई तीसरे क्वेश्चन की तरफ हु वाज द सन ऑफ जोराब, तो मोराज जो है वो सन ऑफ जोराब है, हु वाज द सन ऑफ जोराब, जोराब का सन कौन है, मुराद, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर ऐसे होंगे जो आपको लिखने होंगे पूरे, एंड यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर एनी टू आउट ऑफ द फॉलोइंग फोर क्वेश्चंस इन 30 से 40 वर्ड्स में आपको चार में से किसी दो के आंसर देने, जैसे हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर हर डेथ, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है हाउ डिड द ऑथर जो है ग्रैंड मदर बिहेव जो है करती है जब जो है बिफोर डेथ से पहले जो है कैसी ग्रैंड मदर जो है बिहेव करती है, तो द ऑथर्स ग्रैंड मदर हैड गोट अ फेयर इनफ आइडिया अबाउट हर अपकमिंग डेथ, देयर फोर शी डिसाइडेड नॉट टू वेस्ट और इवन अ सिंगल सेकेंड वाइल टेकिंग टू हर रिलेटिव बट जो है रिसाइटिंग द प्रेयर्स एंड टेलिंग द बियडर ऑफ हर जो है रोसरी She gave a clear signal to her family that she was no longer interested in talking to them. तो यहाँ पे ये आएगा आपका आंसर, ठीक है, यहाँ पे 11वें क्वेश्चन का हमने कर लिया है पहला। यहाँ पे बोला गया है कि अपनी मृत्यु से पहले जो है जो लेखिका की दादी है उसने कैसा जो है व्यवहार किया था, तो लेखिका की जो दादी है उसको पहले पता चल गया था कि उसका क्या है, उसकी मौत आने वाली है, इस तरह से यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, वो मरने वाली है, तो यहाँ पे उसने किया कि वह अपने रिश्तेदारियों से बात करते समय एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करेगी, बल्कि क्या है वो प्रार्थनाएं पढ़ेगी और प्रार्थनाएं करेगी एक तरह से, इसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ। आगे देखिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ व्हाट हैज नॉट चेंज ओवर द ईयर्स डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, यहाँ पे बोला गया पिछले कुछ वर्षों में क्या नहीं बदला, क्या आपको कुछ सुझाता है, तो द सी हैज नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स इट वेव्स आर एज फ्रेश शाइनिंग एंड जो है ट्रायलेस एज दे वर ईयर्स अगो द परफॉर्मेंस ऑफ सी रिमाइंड्स अस ऑफ द चेंजेस इन ह्यूमन फेस विद जो है एडवांसिंग एज, यहाँ पे बोला गया है पिछले कुछ वर्षों में क्या नहीं बदला, आपको क्या कुछ सुझाता है, तो पिछले कुछ वर्षों में क्या है समुद्र नहीं बदला है, इसके बारे में बताया गया है कि इसकी लहरें आज भी उतनी ही ताजा और चमकीली है जितनी वर्षों पहले हुआ करती थी, ये चीजें आपकी इसके अंदर आएगी। क्वेश्चन नंबर सी की तरफ आते हैं हम,
हाउ डज द लेबरनम एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ फॉर द जो है नेस्टलिंग। यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, लेबरनम जो है चूजों के लिए सुरक्षा कैसे देखते हैं, सुनिश्चित करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीफ द बार्क एंड द सीड्स ऑफ द लेबरनम ट्री आर पॉइजनस, सो प्रीडेक्टर्स नॉर्मली डू नॉट कम नियर द ट्री। अपार्ट फ्रॉम हिज इट्स येल्लो फ्लावर्स एंड येल्लोइंग लीव्स इन द ऑटोमन सीजन्स जो है कॉम्प्लीमेंटेड बाय द येल्लो कलर्ड फीदर्स ऑफ द गोल्ड फिंच हेल्प इन कम आउट फ्लिंग द नेस्टलिंग फ्रॉम द प्रीडेटर्स। यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि प्रचलित जो मान्यता है उसके अनुसार लेबरनम पेड़ की जो छाल है, बीजे है, वो क्या होती है, जहरीली होती है। यहाँ पे बताया गया, इसलिए शिकारी आमतौर पर क्या है, पेड़ के पास नहीं आते। इसके अलावा पतझड़ के मौसम में इसके फूल जो है पीली पत्तियां हो गई, गोल्डफिंच के पीले रंग के पंख के साथ मिलकर शिकारियों के घोंसले को छुपाने में मदद करती है, कुछ इस तरह से यहाँ पे बताया गया। डी की तरफ आएंगे, वट जो है प्रीपरेशंस वर मेड बाय द नरेटर बिफोर देयर राउंड द वर्ल्ड वॉयज। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि विश्व का जो है घूमने के से पहले वर्णनकर्ता ने क्या क्या तैयारी करी। तो क्या क्या तैयारी करी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, द राइटर वॉन्टेड टू गो अराउंड द वर्ल्ड वॉयज एज कैप्टन जेम्स कुक हैड डन अबाउट 200 ईयर्स अर्लियर फॉर अबाउट 16 ईयर्स। बोथ ही एंड हीज वाइफ यूज टू स्पेंड ऑल देयर फ्री टाइम इन इम्प्रूविंग देयर सेलिंग स्किल ऑन द ब्रिटिश सी। दे मेड अ 23 लॉन्ग बोट वे वॉलकर द विद ग्रेट स्किल दे टेस्टेड इन द रावस वेदर। फाइनली ही स्टार्टेड देयर वॉयज इन जुलाई 76। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा इसका आंसर। एंड 12वें क्वेश्चन की तरफ आएंगे, इनमें से बोला गया किसी एक का आंसर करें। तो यहाँ पे बोला गया, व्हाई डिड मोराद जो है रिटर्न द हॉर्स। तो यहाँ पे है, मोराद ने जो है घोड़ा क्यों लौटा दिया। तो मोराद बिलोंग टू बी अ ट्राइब विच वॉज नो फॉर इट्स ऑनेस्टी, ही कुड नॉट जो है टॉलरेट जोन्स बायरस एक्सप्रेशन व्हेन ही सीम्ड टू हैव रिकॉग्नाइज्ड द हॉर्स। इट वॉज नो मोर चार्मिंग अक्यूज फॉर हिम टू कीप द हॉर्स आफ्टर दिस इंसिडेंट। यानी मुराद एक ऐसे जनजाति से जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, और वो क्या है, वो जो घोड़ा था, और कोई भी क्या है, उसको लगा कि कोई घोड़ा क्या है पहचान लिया तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी और कोई जो है बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। इसी घटने के कारण जो है उसने अपना जो है घोड़ा जो है लौटा दिया। बी की तरफ आएंगे, वाई वॉज द नरेटर कॉन्फिडेंट दैट सी हैड रीच द करेक्ट एड्रेस। ठीक है, वाई वॉज द नरेटर कॉन्फिडेंट, यानी नरेटर क्या है वो कॉन्फिडेंट विश्वास, वाई वॉज द नरेटर कॉन्फिडेंट दैट सी हैड रीच द करेक्ट एड्रेस। वर्णनकर्ता ने यह विश्वास क्यों था कि उनको कि वो सही पते पर पहुंची है। तो द नरेटर जो है रिमेम्बर्ड द हाउस नंबर 46 ऑन मैरोकनी स्ट्रीट विच हर मदर हैड टोल्ड हर अबाउट। सी ऑल्सो रिकोगनाइज द ग्रीन नेकेड कार्जियन जो है विद वुडन जो है बटन्स विद मिस्टर डोलिंग वॉज वियरिंग एज अ बिलोंग टू हर मदर। यहाँ पे बताया गया है। एंड आगे की तरफ आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13 रहता है, इसके अंदर 5 नंबर के क्वेश्चन सही है आपके। एंड इसके अंदर पूछा गया, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम सच हजार्डस एक्सपीरियंस व्हेन वी आर फेस टू फेस विद डेथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे बोला गया है, क्वेश्चन है आपका, जब मौत जो है सामने होते हैं तो ऐसे खतरनाक अनुभवों से हमें क्या सबक मिलते हैं। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं, लास्ट हमें क्या क्या चीजें सबक हमें मिलती है, तो ये आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ, बस बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है, अपनी भाषा में लिखना होता है ये सब। डिस्क्राइब द चेंजिंग एटीट्यूड्स ऑफ द जो है आर्कियोलॉजिस्ट ओवर अ स्पेन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर, समय के साथ जो पुरातत्वविद होते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। बदलते दृष्टिकोण के बारे में आपको बताना है, तो क्या क्या बदला है ये चीजें इसके अंदर मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले के समय देखेंगे तो पहले के समय क्या था, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे क्या है, अब ये बहुत बदला है, आप बहुत सारी चीज़ें हम पता कर पाते हैं आज के समय, तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है।
आगे हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो यहाँ पे भी वही है, किसी एक का आंसर देना आपको, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। कमेंट करना है ऑन द स्टेटमेंट द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ पोस्ट वॉर ह्यूमन प्रिडिकमेंट। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन कि युद्धोत्तर मानवीय दुर्दशा की कहानी है जो है, द एड्रेस जो है वो क्या है, एक युद्धोत्तर मानवीय दुर्दशा की कहानी है, कथन पे आपको बताना है। तो वॉर इज डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरी ह्यूमन बींग, ये सही बात है। नो वन लाइक्स वॉर, पीपल गेट डिस्प्लेस्ड, लॉस ऑफ बिलोंगिंग्स, लॉस ऑफ होम्स, लॉस ऑफ लाइफ होती है इसके अंदर, चेंज इन आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ जो है इनसिग्निफिकेंस ऑफ मटेरियल थिंग्स इज फेल्ट। तो ये आपके पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे ये वैल्यू पॉइंट्स लिखे हुए जो आप यूज कर सकते हैं। एंड बी की तरफ आएंगे, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द प्ले मदर्स डे इज अप्रोप्रिएट, गिव रीजन फॉर योर। तो यहाँ पे आपको टाइटल जो दिया गया है मदर्स डे, क्या सही है ये इसके लिए, तो आपको बताना है उचित है कि नहीं है। तो यहाँ पे उचित है, उसके बारे में लिख देंगे। ईच डे इज अ मदर्स डे, द होल प्ले रिवॉल्व्स अराउंड द मदर्स, मिस्टर जो है पियर्सन, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मदर्स आर जो है डिस्कस्ड, द प्ले टीचेस अस टू बी थॉटफुल एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स आवर मदर्स। तो ये आप यहाँ पे ये पॉइंट्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर बी, एंड ये यहाँ तक आपका पूरा पेपर खत्म होता है। ये था आपका इंग्लिश कोर का हम पेपर 2 डिस्कस कर रहे थे, जिसका हमने आज की इस वीडियो में हमने पार्ट 2 डिस्कस कर लिया है। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जरूर देख लेना। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, या इसके अलावा हमने और भी पेपर 1 करवाया था, तो उसको भी आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पेपर 1 को भी हमने 2 पार्ट में समझाया है, आप वहां से देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इजीली वहां से देख सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इंग्लिश कोर का हमने सेकंड सैंपल पेपर डिस्कस किया, आज की इस वीडियो में हमने पार्ट 2 कवर किया। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, एंड आपका कोई भी डाउट रह जाता है अभी भी तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, कृष्णा सहानी 08 करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, VSP क्लास 11th ग्रुप करके हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहती है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा देते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपको। एंड आपको प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में पहुँचना कैसे है, तो आपको यूट्यूब पर जाना है, एंड यूट्यूब पर जाकर जो है आपको सर्च करना है विद्यालय स्टडी पॉइंट। आप हमारे चैनल पर आएंगे, यहाँ पे आप वीडियो वाले सेक्शन में देख रहे होंगे, यहाँ से आपको प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में आना है। एंड यहाँ पे आपको जो है 2 तरह की प्ले लिस्ट बना दी गई है हमारे आपके लिए, हमारी तरफ से। एक तो क्लास 11th का सिर्फ इंग्लिश करके, क्लास 11th इंग्लिश मिड टर्म, ऐसे मिड टर्म सैम्पल पेपर 2024-25 कुछ इस तरह से, और दूसरा जो है क्लास 11th मिड टर्म सैम्पल पेपर कुछ इस तरह से बनाया गया है। आप सिर्फ इंग्लिश के लिए अगर आपको देखना है तो इस वाले सेक्शन में जा सकते हैं प्ले लिस्ट के, एंड दूसरे वाले सेक्शन में आपको हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा यहाँ पे। तो मैं 2 इसलिए बना दिया हूँ ताकि आपको इजी हो, आप सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हैं, और आप पूरा सिलेबस पूरा जो भी हमने करवाया है हर एक सब्जेक्ट का, वो भी हम अलग से प्लेलिस्ट बना रहे, तो आप उसे भी देख सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। आपको चैनल को सब्सक्राइब कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप बेल का आइकन निकल कर आएगा, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। इससे हम जब भी आपको कोई नई वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। बाकी यही था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। एंड कोई डाउट रहता है आप डाउट भी यहाँ पर पूछ सकते हैं, कोई आपको कमी लगती है वीडियो के अंदर अब तो वो भी आप यहाँ पर मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाऊँगा तो उसमें सुधार कर सकूँ। बाकी ये था आज का वीडियो, चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।